तो एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आई है। करेक्शन फॉर्म का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। एक ज़रूरी सूचना है सभी छात्रों के लिए, साथ ही इस दिन से आपका स्टेटस शो आउट होगा। आपके कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर स्टेटस कब से शो आउट होगा, और इन छात्रों की नहीं आएगी कोई भी छात्रवृत्ति। इस बारे में बात करने वाला हूँ, वीडियो के भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ ऐसे ही पल पल की राइट ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले जानने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दूं कि कई सारे छात्र मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर करेक्शन का जो फॉर्म है अगर उसका डेट चल रहा है यानी कि 11 से 16 नवंबर है तो पोर्टल क्यों ओपन नहीं हुआ है, यानी कि पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है, सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है। जी हाँ गाइस, रियलिटी अगर आपको बता दूं, जिस वक्त मैं इस वीडियो को बना रहा हूं पोर्टल जो है वो ओपन नहीं किया गया है। 11 से 16 नवंबर भले ही लिखा रहा हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 16 से 24 नवंबर कर दिया गया आपके करेक्शन के डेट को। तो एक नया डेट है, इस चीज़ को समझिए। 11 से 16 के बीच में आपका स्टेटस शो आउट होगा, ना कि आपका करेक्शन फॉर्म जो है वो उसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। कई सारे छात्र कंफ्यूज हैं कि सर यूट्यूब पे ऐसे कई सारे वीडियोस हैं, तो भाई उसमें अब किया भी किया जा सकता है, लोग अब जो भी करें उसमें हम अब क्या कर सकते हैं। मेरा ही काम है आपको सही गाइड करना, सही से इन्फॉर्मेशन देना, और वो आप सभी के ऊपर है कि आप सभी उसको चैनल को सब्सक्राइब करके लेते हैं नहीं लेते हैं। अब किया क्या जा सकता है, देखो कल के वीडियो में भी बता दिया था, आज फिर बता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि 16 से 24 नवंबर के बीच में आप सभी का जो करेक्शन का डेट है वो है, आपको गुमराह नहीं होना है। कई सारे छात्र कह रहे हैं सर स्टेटस कब से आएगा, इस चीज़ के बारे में कुछ बताइए। तो देखो मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं स्टेटस आपका कब से शो आउट होगा, 11 से 16 नवंबर के बीच में। आज डेट हो गई है 12, स्टेटस नहीं शो आउट हो रहा है, उम्मीद है 13-14 तक स्टेटस जो है वो शो आउट यानी कि दिखना शुरू हो जाएगा। और जब आपका स्टेटस दिखेगा तभी आप करेक्शन कर सकते हैं, इसीलिए वेबसाइट पर जो करेक्शन की नई डेट है वो है 16 से 24 नवंबर के बीच में। जी हाँ, आपको गुमराह नहीं होना, ना ही भटकना है, और फेक वीडियोज से दूर रहना है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे छात्र हैं जिनकी इस बार कोई भी छात्रवृत्ति नहीं आने वाली है। तो गाइस, जो छात्र फॉर्म गलत भरेंगे उनकी नहीं आएगी, साथ ही जिनका जनधन का अकाउंट है, पिछले वीडियो में आप लोग का कई सारा कमेंट्स था कि भाई जनधन का अकाउंट है उसको चेंज कर सकते हैं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर चैनल पर विजिट करके ज़रूर से देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया कि जनधन का जो बैंक है उसमें ये नहीं आपकी स्कॉलरशिप भेजी जाएगी, लेकिन उसका तरीका भी मैंने बताया है कि कैसे आपको स्कॉलरशिप लेना है जनधन अकाउंट होने के बावजूद भी। तो उस वीडियो को मिस मत कीजिए। 8 400 400 400, जी हाँ गाइज, आपको ये नंबर याद कर लेने की ज़रूरत है। इधर आपका कोई भी डाउट हो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व आउट कर दिया जाएगा फटाफट से। बस व्हाट्सएप की मदद से आपको डाउट नट का ये जो नंबर है इसको सेव कर लेना है, और जैसे आप इसको सेव कर लेंगे, जी हाँ गाइज बता रहा हूँ, कमाल हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन से बस फोटो क्लिक करना है, उन्हें क्रॉप करना है, उसके बाद फिर उन्हें तुरंत वीडियो सोल्यूशन आप पास जाएंगे। वो 6th to 12th क्लास का हो, IIT JEE मेंस एडवांस नीट का, CBSE बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड का हो। तो गाइस यार, किसी भी बोर्ड का हो आपको ये नंबर 8 400 400 याद कर लेना है, जो कि डाउट नेट का हेल्पर नंबर है, इसे फटाफट से जाओ डाउनलोड करो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आर्टिकल जो है वो लाइव हिंदुस्तान में आज प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि पिछले 11 दिनों से लेखपाल ने किया कार्य बहिष्कार, तहसीलों में लोगों को हो रही है परेशानी। जी हाँ, छात्रवृत्ति के 5000 जो आवेदन है वो फंस चुके हैं, और सदर तहसील में ही फंसे हैं हजारों आवेदन, यानी कि छात्रों की जो भी छात्रवृत्ति का आवेदन है वो तहसील में जाके फंसा हुआ है। लाइव हिंदुस्तान प्रयागराज की एक आर्टिकल को हम कवर कर रहे हैं इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो दी हुई, जैसे कि आप सरकारी लैपटॉप योजना के लिए आवेदन करना था, मामा धीरज ने बताया। तो यहाँ पे देखो स्कॉलरशिप के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है, साथ ही स्कॉलरशिप के अलावा नौकरी हो गया, टैबलेट स्मार्टफोन का मामला हो गया, ऐसे तमाम सारी जो दिक्कतें हैं वो सामने निकल के आई है। तो इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। बाकी का एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि छात्रों की छात्रवृत्ति का 1000 माने 5000 तो प्रयागराज में ही फंसा हुआ, ऐसे पूरे यूपी का हाल है। लेखपाल हड़ताल पे थे पिछले कुछ दिन से, तो वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सामने निकल के आ रही है। तो कहीं आपके साइड आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी का आप लोग स्टेज 1 में फॉर्म भरे या फिर स्टेज 2 में, इस चीज़ को बता दीजिए। और करेक्शन का स्टेटस का डेट जो था उसको मैंने क्लियर कर दिया है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हो, एकदम क्लियर वे में समझाया था। अब चलो अब बात बता दूं आपको, तो गाइज एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया है बटन में लिंक दे दूंगा, फिर चैनल पे विजिट करके खुद देख लीजिएगा। स्कॉलरशिप का भी एक दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको ज़रूर से देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपके लिए एक भी पर्सेंट काम की हो। देखो प्रकाश यूट्यूब पर आपको जो भी राइट ऑथेंटिक न्यूज़ है वही मिलेंगी,
अब ये आपके ऊपर है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, अब ये आपके ऊपर है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर गलत इन्फॉर्मेशन चाहिए, इट्स टोटली ऑन यू। बट मैं आपसे कहूँगा कि जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आने वाले दिनों में स्कॉलरशिप की जो राह है वो बहुत मुश्किल होने वाली है और बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको एक प्रॉपर और सही गाइडेंस की। गाइड तो कई सारे लोग कर रहे हैं लेकिन सही ऑथेंटिक जो गाइडेंस है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिली तो फिर आप स्कॉलरशिप से भी हाथ धो सकते हो, समझ रहे हो? तो फिर गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो चलो गाइस हम जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रकाश से जुटे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।